इच्छरा वाकया में बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करने वाली एएसपी गुलबर्ग लाहौर सैयदा शहर बानो नकवी से मिलने पहुंचे। वालद के हमरा इस्तकबाल किया। आम तौर पर पुलिस को तो मर्दों का शोभा समझा जाता है, एक नाजक नाम लड़की ने पुलिस का शोभा क्यों चुना? शुरू से शौक था, बचपन में जुडिशरी में आने का शौक था। जब वक्त थोड़ा सा गुजरा तो उसके बाद एहसास हुआ कि पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात रही जिनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में जब पता चला तो एहसास हुआ कि जो पुलिस है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है लोगों की मुसीबतों को हैंडल करने में। इंसान को जब भी कोई मसला होता है वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, तो ये एक ऐसा शोभा है जिसके अंदर अगर इंसान जन्नत कमाना चाहे तो बड़ी आसानी से कमा सकता है। पुलिस अफसर तो सख्त गिर होते हैं, आपने एक हमदर्द पुलिस अफसर बनने के बारे में क्यों सोचा? आपको जो सिचुएशन मिलती है उसके हिसाब से आपकी पुलिसिंग चेंज होती है। अगर आप, जहाँ मेरी पहले पोस्टिंग रही वो सदर फैसलाबाद में थी, तो सदर का इलाका ऐसा था जिधर एक सख्त पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत थी। आप सख्ती भी कर लेते हैं? हमने सख्ती की। सुना है कि एक ख्वाजा सरा चांदनी ने आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात डाले और आपकी राय को तब्दील करने में भी उसका अहम किरदार था। बिल्कुल ऐसा है। यूनिवर्सिटी के पहले साल के अंदर मैं और मेरी दोस्त, अब वो जर्मनी चली गई हैं, तो उनकी गाड़ी होती थी मेहरान सफ़ेद रंग की। तो रात को जब यूनिवर्सिटी का काम शाम सारा हम दोनों ने ख़त्म कर लेना, तो उसी, वो मॉल टाउन में रहती थी, तो उन्होंने मुझे पिक कर लेना। फिर हम लोगों ने चले जाना सी ब्लॉक की जो बैंक स्क्वायर वाली मार्केट है, उसका बन कबाब बड़े मज़े का होता है। तो उधर चांदनी जो थी ना वो वहाँ आया करती थी, तो उसके साथ बातें शुरू हो गई। उसको, वो शुगर पेशेंट थी, शी हैज़ पास्ड अवे, तो उसकी टांग कटी हुई थी। तो उधर बातचीत जब शुरू होती है तो उसने बताया कि जी हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे होती है, सुबह हम लोग उठते हैं, उसके बाद टोली निकलती है, हम लोग अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उधर जाते हैं, फिर जो मुश्किलात सामने उसे करनी पड़ती हैं, जिस तरह की जब इनकी तेल मेहंदी होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो अपनी बर्थडे का फंक्शन वो करते हैं, उसके लिए हमें NOC लेना पड़ता है, तो कभी फलाने सीनियर अफसर के दफ्तर जाना पड़ता है, कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का जब पता चला तो एहसास हुआ कि अगर हमने कुछ करना है ना, या अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो मुझे किसी ऐसे इदारे में जाना चाहिए जो कि वनरेबल कम्युनिटी, वो तबका जिसको हम बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके साथ भी इंटरेक्शन रखना वो मेरा लाजिम हो जाए। आपने तालीम कहाँ हासिल की? मैं बीकन हाउस से पढ़ी हूँ जी, ओ लेवल्स मैंने उधर से किया, फिर साइका गुलबर्ग से ए लेवल्स किया सर, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से क्या किया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जी सर BS ऑनर्स हम लोगों ने की पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर, स्पेशलाइजेशन मेरी थी पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। चार साल के बाद फिर मैंने MPhil भी उधर से ही किया, MPhil भी मेरा पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में था, जो थीसिस था वो था, इधर भी वही तबका आ गया जिसकी कोई सुनता नहीं था, थीसिस मेरा चाइल्ड लेबर पे था। ये बताएं कि आपने कई जगह, ओकाड़ा में पैदा हुई, फैसलाबाद में भी पढ़ी, ये क्या वालिद साहब की मुलाजमत की वजह से आप घूमते फिरते रहे? ताल्लुक ओकाड़ा से है सर, पैदाइश फैसलाबाद की है। फैसलाबाद में लिटिल एंजल स्कूल है, वो अभी भी स्टेडियम के सामने ही है। जब मेरी पोस्टिंग हुई ना, पहली पोस्टिंग थी, तो मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया, मेरे वालिद साहब की नौकरी ज़्यादातर फैसलाबाद की है, तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी नौकरी का भी जो मेजर पार्ट है वो फैसलाबाद में गुजरा है और मेरी नौकरी का आगाज़ भी फैसलाबाद से हो रहा है। वालिद साहब किस महकमे में काम करते थे? वो लेबर डिपार्टमेंट में थे, अब रिटायर हो गए एज डायरेक्टर लेबर जी। वालिद और बहन भाइयों से कैसा ताल्लुक रहा? क्या ख़ानदान कदामत पसंद था या आप खुद तरक्की पसंद बन गई? नहीं, वालिद साहब को, मेरी वालदा को ये शिकवा रहता है कि तुमने इसे बिगाड़ दिया, तो वालिद साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने अपनी बेटियों का हमेशा बड़ा ख्याल रखे, 3 बेटियाँ 1 बेटा है, तो कभी भी उन्होंने किसी चीज़ से इस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो तालीम के मामले में बहुत सख्त थे, रात को जब खाने की मेज़ पे बैठते थे तो हमें डर आता था, क्योंकि हमें पता था कि आखिरी सवाल जो पूछा जाना है वो ये कि आज कितने घंटे पढ़े हो और आप लोग अपना एहतसाब खुद क्यों नहीं करते, सोने से पहले आप लोगों का ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपके वालिद साहब और आपकी वालदा जो है आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हैं और उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया इन योर एजुकेशन, कि आप सोने से पहले ये बात अपने आप से पूछें कि मैंने आज दिन कैसे गुजारा है, मैंने अगले दिन क्या करना है और मेरी लाइफ जो है वो किधर जा रही है।
जब छोटी बहन ने यह फैसला किया कि मैं मुकाबले का इम्तिहान सिर्फ उस टाइम दूंगी जब मैं फॉरेन सर्विस अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखूंगी, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन, आर्ट्स कल्चर का उसे शौक है, तो उन्होंने कहा ज़रूर तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना चाहिए। तो हमेशा इस तरह की ओरिएंटेशन थी फैमिली। नाश्ते की टेबल पर आए, आपने क्या तरबियत की कि तीनों बेटियां माशाल्लाह सारी ऑफिसर हैं, क्या मुख्तलिफ तरीके से आपने कोई तरबियत की है? उनको यही सिखाया है कि आप अपना बस एक लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना, और बड़े स्ट्रगल तो करनी पड़ती है पेरेंट्स को, खास तौर पे घर पे मदर को करनी पड़ती है। तो ये बताएंगे ये बचपन में जिद्दी थी, शरारती थी, लड़ाइयाँ करती थी, माही मुंडा थी, कैसी थी? टच फोर्ड के मेरे बच्चा कोई भी ऐसा नहीं है, और बस शरारतें तो फिर बच्चों की नेचर होती है ना, वो तो हर बच्चा करता। कौन सी शरारतें करती थी? बस स्कूल में थोड़ी सी शरारतें की हैं। अच्छा। टीचर्स के साथ, और घर पे बस जैसे बहन भाइयों के साथ करते हैं बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा, और दैट्स इट। अब शरारती हैं कि अब खत्म हो गई? नहीं नहीं, अब तो नहीं, अब तो माशाल्लाह बड़ी ग्रेसफुल। क्या गुड़ती दी अपने बच्चों को कि ये सबसे मुख्तलिफ निकल आए, लड़कियां बहादुर निकल आईं? ये वीएन तो सारा एक्चुअली बैरक हमारी रूरल बैकग्राउंड है, तो शहर में हम पढ़ने के लिए जब आए तो ये विजन तो मेरी मदर का था कि मेरे बच्चे जो है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, गाँव में कम पढ़ते हैं लोग, तो वो हमें एक्चुअली गाँव से फिर शहर लेके आई पढ़ने के लिए। हम तीन भाई थे, उसमें मैंने PCS किया और सर्विस ज्वाइन की, दोनों भाई दूसरे जो थे वो फिर इतना ना, एक ने BSc की, दूसरे ने भी BA करने के बाद वो फिर जिम्मेदार। तो वो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कि गुड़ती, वो गुड़ती तो एक्चुअली मेरे दिमाग में थी। हमारा माशरा तो बड़ा कदामत पसंद है, तो मैं आमतौर पर लड़कियों के बारे में इतनी तवज्जो भी नहीं, उनकी नौकरियां हो चुके, बेटियां तीनों थी और छोटा बेटा तो छोटी बेटी से भी 6-7 साल छोटा बाद वाला, तो मैंने कहा भी हैं बेटियां, इन्हें पढ़ाना है। काफ़ी मुझे बातें सुननी पड़ी कि असनात बेटियां बतियां तो इन्ना नहीं ना पढ़ाई था, तो मैंने कहा नहीं 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 ये कौन सी बात है, तो ये तो मेरे बेटे हैं। मैं अक्सर ये फिक्रा बोलता था कि ये मेरी बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं, तो वो शायद इनके भी बचपन में बातें सारी जहन में थी। तो पढ़ने पे ख्वाहिश हमारी थी, अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और मेहनत इनकी थी। कितनी तब्दीली आई है शहर बानों में बचपन से अब तक? चूँकि जहन में इसके पहले ही ये था कि मैंने सिविल सर्वेंट बनना है, ये मैं छोटी सी होती थी ना जब मेरे साथ जाती थी तो बच्चे सारे ही, मैंने कहा आपने सिविल सर्वेंट बनना, मुझे कहने लगी बाबा सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, मैं कहा जिनके आगे पीछे लोग होते हैं, कहती चलो फिर मैं सिविल सर्वेंट बनूंगी। तब्दीली जा रही कि इसकी जॉब की नोयत इस किस्म की है, थोड़ी सी हल्का सा गुस्सा आ जाना या मतलब इस तरह ऊंचा बोल लेना इस किस्म का है, बाकी बोल्ड तो है ही माशाल्लाह, छोटे होते थे बोल्ड है। सबसे ये बोल्ड है फैमिली में से या कोई बाकी बहन है भी इसकी? बोल्ड तो छोटी भी है, मतलब बड़ी नहीं है लेकिन जो इससे छोटी है शी इज़ ऑल्सो वेरी बोल्ड। तो क्या इनकी फ्यूचर प्लान्स आप कर रहे हैं या ये खुद कर रही है अपने फ्यूचर प्लान? जब ये छोटे थे तो फिर तो हमारी राय ज़रूर होती थी, लेकिन अब इस एज में तो ज़ाहिर है कि फ्यूचर प्लान हमसे हम मशवरा दे सकते हैं, बाकी फ्यूचर तो ये अपना खुद ही प्लान करें ना। नहीं तो आपने इनकी मंगनी तो कर दी। जी 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 बिल्कुल। तो शादी का कब है इरादा? शादी इंशाल्लाह दी इमीडिएटली आफ्टर ईद। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहाँ, कोई रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी? नहीं नहीं बिल्कुल, वो जो है ना अरेंज मैरिज है, सैयद हैं वो जी, सादात ही हैं। अच्छा अच्छा। तो इमीडिएटली रिश्तेदारी नहीं थी हमारी पसंद है, हमारी पसंद है। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो जाहिर है कि का जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। अच्छा। तो जब इन्होंने शर्मानों ने मुझे कहा कि नहीं बाबा ठीक है आप बेहतर फैसला कर। रवाना होने से पहले यूनिफॉर्म पहना, वालदैन को सलूट किया और उनसे दुआएं लेकर रवाना हुई। हमारा मुआशरा तो मर्दों का है, मर्द बालादस्त है, तो जब एक खातून पुलिस ऑफिसर को आम क्रिमिनल
या आम बंदा देखता है तो वो डरता तो नहीं है? ये बेसिकली परसेप्शन की बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके अंदर फिर ये फर्क रहता ही नहीं है। आप फायर कर लेती हैं? जी बिल्कुल, मैं फायरिंग कर लेती हूँ, अभी हम आपको फायरिंग करके भी दिखाएंगे। ये पीटीआई वाले आजकल बहुत इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उन पर तशद्दुद किया, क्या कोई ऐसा वाकया हुआ? सर बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज एन ऑफिसर एंड स्पेशली द वंस हु आर सर्विंग इन सच की पोजीशंस, वो यही है कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, हम रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर जो पॉलिसीज और जो आपकी ओरिएंटेशन होती है स्टेट की, या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ डायरेक्टली आप राइट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई मेजर लिया जाता है तो वो कम्प्लीटली लीगल होता है। और जब हमारी नौकरी स्टार्ट हुई तब कोई और हुकूमत थी, जब बीच में कोई और हुकूमत आई, तो एट द एंड ऑफ द डे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर नथिंग मोर देन द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ पॉलिसी गिवन बाय द स्टेट। इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत भी है? सर इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है, अगर उसे डिफेंड करूँगी तो लोगों को लगेगा कि हकीकत। पुलिस के बारे में तासुर है कि करप्ट है, क्या लेडी पुलिस ऑफिसर्स के बारे में भी यही तासुर है या ये मुख्तलिफ है मर्दों से? देखिए जो परसेप्शन होते हैं वो जेंडर से बाला दर होते हैं। ठीक। जब हम अपने परसेप्शन को सिर्फ एक जेंडर के लेंस से या परस्पेक्टिव से देखते हैं तो हमारा एनालिसिस भी बायस्ड और गलत होता है, तो इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम ऑफिसर टू ऑफिसर। कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इनका लाइफ स्टाइल जो है वो डिमांड करता है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसीलिए ये करप्शन की तरफ मायल होते हैं, क्या वाकई ऐसा है तनख्वाह में गुजारा नहीं होता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी तनख्वाह जितनी है उसके अंदर फॉर पर्सन इन माय एज ब्रैकेट और अपने स्केल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही हैं, और कभी कोई ऐसा मसला जो है वो फेस करने को नहीं मिला। आपकी सरकारी तनख्वाह कितनी है और कौन कौन सी मराहत मिल रही हैं? 1,40,000। और मराहत क्या क्या? जो फ्यूल है बेसिकली हमें जो मिलता है, उसके बाद हमारे अलाउंसेज होते हैं, उसके यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं वो भी सरकार ने दी हुई है। तो जब आपका सरकार इतना ख्याल रख रही है और आपको अकोमोडेट कर रही है तो फिर ऐसी कुछ चीज़ रह नहीं जाती जिसके लिए आपको कोई ऐसा काम करना पड़े। गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में पहुंची शहर बानो नकवी ने अपने वीएन के मुताबिक थाने को एक ड्राइंग रूम में तब्दील कर दिया है। जो काम लोगों ने खिदमत मरकज में जाके लाइन में बन के लग के करना है वो यहाँ आए, अपना खुद ही CNIC वगैरह डिटेल्स डालें, पीछे हमने प्रिंटर रखते हैं सर, यहाँ से ही प्रिंट निकले, पिक्चर खींची जाए, जो थंब प्रिंट्स उसने देने हैं वो दे, जो उसने अपनी फैसिलिटी के चार्जेस करवाने उधर से अपना कार्ड स्क्रैच करे और चला जाए। हमारे एम एम आलम के इम्पोर्टेंट और बड़े हेल्पफुल लोग हैं सर। एम एम आलम रोड वेलफेयर ट्रेड एसोसिएशन का वफद मुलाकात के लिए आया, गुलदस्ता पेश किया, SHO के कमरे में पहुंची, कॉन्फ्रेंस रूम में आई, अपनी डिवीजन के SHOs के साथ क्राइम मीटिंग की, क्राइम कंट्रोल के हवाले से हदायत दी, रीडर रूम में आई, अपने दफ्तर में आई, मुझे किसी ने ना फहमीदा रियाज का बना के हाथ से लिख के भेजा इचरे के इंसिडेंट के बाद। खुद गाड़ी ड्राइव की, पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी पहुंची, लोगों से वहाँ सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया,
मेरा नाम सना है और मैं मिजाक में मिनोरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हमारे पास जो भी पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ हैं उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी चाहिए हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है ये माहौल नया ये और ये? अच्छा माहौल है। अच्छा अच्छा माहौल है। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंची। घुड़सवारी भी करती हैं, खुद घोड़े पर बैठकर इलाके में मार्च करती हैं। पुलिस अफसर का भी तो दिल होता है। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, बिलखसूस मर्द? नहीं, हम लोगों ने एक परसेप्शंस बनाए हुए हैं कि खातून ऐसी होती है, मर्द ऐसा होता है। ख्वातीन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मर्द में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनसे थोड़ा सा ऊपर आके अगर देखा जाए तो हर इंसान को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, हर इंसान को लॉयल होना चाहिए, हर इंसान को पेशेंट होना चाहिए। तो मुझे जो तीन क्वालिटीज़ पसंद हैं वो ये हैं कि सब्र हो, एहसास हो और वफादार हो। वफादारी को आप किस तरह से समझाएंगी आम बंदों को? वफादार वही है आपके साथ जो आपको बुरे काम से रोके, अच्छे काम की तरफ मायल करे और हमेशा आपके हक के अंदर बेहतर फैसला दे। आप जमाना है तालिबे इल्मी से भी गुजरी, आप यूनिवर्सिटी में भी गई, फिर पुलिस में भी हैं, तो क्या लोग शादी की पेशकश करते रहे आपको? आई थिंक ह्यूमन एक्सपीरियंसिस की बेसिस के ऊपर आपको ऐसे ज़रूर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ कोई अपने ख्याल का इजहार करे, लेकिन ख्यालात के इजहार के अंदर कोई कबाहत नहीं है, जिस तरह आप उससे डील करें। आप इस तरह की पेशकशों को किस तरह डील करती थी? हम सिर्फ ये बात कह देते थे कि मैंने ये फैसला अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिया। आप मर्द और औरत के शाना बहाना चलने की हमायती हैं, तो क्या कभी आपको पुलिस में आने के बाद किसी तासुब का या मेल डोमिनेशन का एहसास हुआ? मुझे ये लगता है कि खातून को अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ज़्यादा वक्त भी देना पड़ता है और ज़्यादा जोश और जज्बे से हर जगह पे हर ड्यूटी पे मौजूद भी रहना पड़ता है। शुरू के अंदर जब हमारी पहली पोस्टिंग होती है तो वो सदर के अंदर थी, पर सदर के अंदर सांदलबार का इलाका आता है, सदर आता है, ठीकरी वाला आता है, उधर तेल चोरी के मसाइल, फैसलाबाद में ज़ाती दुश्मनी के मसाइल, वो सारे मसाइल थे। तो उधर जब मेरी पहला दिन था तो मुझे फ़ोन करके पिछले डीएसपी साहिबान और एएसपी साहिबान ने कहा मुश्किल है, पहली पोस्टिंग के लिए तो आपको ये जगह नहीं देनी चाहिए थी, ये तो जगह दूसरी या तीसरी पोस्टिंग में अच्छी लगती है। फिर उसी दिन इरादा कर लिया कि हमने बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करना है मैंने और मेहनत भी करनी है, और फिर हम लोग मैं साबित करके आई कि मर्द और औरत जो है वो शाना बशाना खड़े भी हो सकते हैं और ख़वातीन अगर चाहें तो उनसे बेहतर काम भी कर सकते हैं। बदकिस्मती है मगर पाकिस्तान की हर खातून को जो बाहर निकलती है माशरे में जो है काम करती है उसको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहस मुबाइसा ज़रूर हो जाता है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि खातून के लिए अगर वो कहीं से गुजर रही हो या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी ऐसी सेटिंग के अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर साबित करनी पड़ती है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लाइंस को कोई क्रॉस नहीं करेगा, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बात करने के अंदाज से, आपकी नज़र से और जिस तरीके से आप किसी को देखें वही चीज़ जो नहीं है वो। तो क्या आप फिर लोगों से मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं? नहीं, बस ये कि अपनी लिमिट्स में हर एक को रहना चाहिए और अपनी मर्द आपकी मौजूदगी से खौफजदा हो जाते नहीं, हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, लेकिन बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपने माशाल्लाह टैटू भी बनवाए हुए हैं, ये भी हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर नहीं है मर्दों के माशरे में, ये आपको क्या ख्याल आया या सिर्फ अपनी आज़ादी का इजहार है? आज़ादी का इजहार तो नहीं है, सिग्निफाई करते हैं ये टैटू जो है कुछ चीज़, तो वो आपकी जो मेमोरीज का हिस्सा बन जाए चीज़ें या फिर आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा बन जाए, तो इट्स फॉर्म ऑफ आर्ट। ज़ाहिर है इंसान है, हिस्से लतीफ़ भी होती है,
तो ब्यूटी में आपको क्या पसंद है, खूबसूरती में क्या पसंद है, कैसे डिफाइन करें? जिस की मौजूदगी में और जिस चीज़ के होने से आपको खुशी महसूस हो वो खूबसूरत है। उसके अंदर कोई छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, एक खूबसूरत लम्हा हो सकता है, अगर आपको चाय की प्याली आप शाम के वक्त पी रहे अपने घर वालों के साथ, अच्छी गुफ्तगू खूबसूरत है, किसी अच्छे दोस्त से कोई अच्छी बात कर लेना, माजी की कोई खूबसूरत याद ताज़ा कर लेना, तो वो भी खूबसूरती है। जो मोहब्बत का जज्बा है मर्द और औरत का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए या आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं? कभी इस तरह की तो कैफियत में गए नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो उनसियत की बेसिस के ऊपर होती है, उन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा या मैंने कुछ अच्छा देखा होगा जिसकी वजह से किसी शख्स को आपका दिल करता है कि आप इज्जत दें, हमदर्दी का इजहार करें, तो वो आपकी खसूसियात ही देखते हैं। तो अगर मोहब्बत आपसे कोई करता है, आप किसी से करते हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। आप दबंग हैं और लेकिन फिर भी जो बिल्लत तो होती है छपकली से और इस तरह की चीज़ों से डर लगता है, चूहे से? डिस्कस्टिंग फीलिंग हो सकती है छपकली से, चूहे मुझे पसंद है, बड़े क्यूट लगते हैं, मुझे जानवरों से वैसे लगा हुआ है, तो छिपकली से थोड़ी सी वो होता है, हाइजेनिक नहीं है। वो एक खौफ नहीं आता। किस चीज़ से खौफ खाते हैं, सांप से या किसी और चीज़ से? खौफ इंसान को अपनी अपने आप से आना चाहिए, आपको अपने आप से खौफ से तो होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी कुछ लिमिटेशंस पार कर देता है या फिर वो इंसानियत के तकाजे भूल जाता है या फिर वो सिविल रहना भूल जाता है, तो तब जिस तरह का वो चेहरा इख्तियार कर लेता है और पुलिस में आने के बाद हमें वो चेहरे बड़े नज़र आते हैं, तो इंसान को अपनी हकीकत से और अपने आप से खौफ आना चाहिए। आम तासुर ये भी है कि पुलिस वाले ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है ये जायज़ है, और कहते हैं कि और चूँकि हमारी अदालतें फैसले नहीं देती, गवाह पेश नहीं होते, आपकी क्या राय है? कुछ सिचुएशंस ये डिफेंड किए बगैर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को बात हो रही है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां आप का सवालिया निशान लग जाता है पूरी सिचुएशन के ऊपर, तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आपको कौन सा मेजर लेना पड़ेगा। आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा फैसला लिया? PARC अब हम यहाँ आपको लेके जा रहे हैं पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर में आपको दिखा। नहर के किनारे पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। इन्होंने जो एनिमल्स के लिए काम किया, स्पेशली यूजिंग हर पावर एंड हर यूनिफॉर्म एंड हर पोस्ट, आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली रिमार्केबल, क्योंकि ये सारे सेंटर्स जो आप एनिमल्स के लिए आज देख रहे हैं वो सारे के सारे इनकी वजह से इस्टेब्लिश हुए हैं। मैडम ने मुझे कांटेक्ट किया था करीबन एक साल पहले और ये बड़ी परेशान थी कि जो इनके स्निफर डॉग्स थे पुलिस के, उनको यूथनाइज कर दिया जाता था। इन्होंने मुझे परेशानी में कॉल की कि आई डोंट वांट कि ये यूथनाइज हो, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। वहाँ से हमारी जो है वो शुरू हुई एक जर्नी और तब से मैं इनको जानती हूँ। आपको शहरबानो कैसे ख्याल आया कि जो ये कुत्ते हैं इनकी भी जान बचानी चाहिए और ये कुत्ते यूज़फुल हो सकते हैं, इनको हमें मारना नहीं चाहिए? जानवरों का शुरू से शौक था, डकलिंग्स थी पास, फिर PSL के अंदर जब यहाँ डॉग्स आए, कुत्ते मेरे पास खुद भी हैं, एक कुत्ता मैंने खुद अडॉप्ट किया है स्टिफर डॉग जो है, तो आए तो मैं उसे प्यार करी थी, तो मैंने कहा इसकी कोट इतनी सख्त क्यों हुई हुई है, तो अक्स कहते मैडम छोड़ो इन्हें तो रिटायर होना है ना, तो मैं क्या रिटायरमेंट होना नहीं, तो फिर तो बहुत ही चंगी गल है कि तू इतने तू इनका होर ख्याल रख, तो अक्स कहते नहीं नहीं असं मार देने टीका ला के, तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, कहते जी ये तो शुरू तो शुरू होया ये तो ऐसी तेरी इंज ही होता है, जिस तरह हमारा जवाब होता है कि जी ऐसे ही होता है, मैंने कहा ये टीके लगा के तो नहीं मारना। कितने डॉग्स हैं आप लोगों के पास जो उनको आपने रेस्क्यू किया है? ये अब तक हमने 350 या 250 के करीब एनिमल्स हैं जो रेस्क्यू किए हैं इस प्लेटफॉर्म से। आपके पास वैसे पुलिस के पास कितने डॉग्स हैं? से टोटल जो है वो तादाद ज़्यादा है, अब्बास लाइंस के अंदर जो इस टाइम पे होंगे वो अराउंड 50 तो होंगे, क्योंकि पुलिस ने अब अपनी ब्रीडिंग खुद भी स्टार्ट कर। पिछले हिस्से में जानवरों का क्लिनिक भी मौजूद है। IG ऑफिस आए।
पुलिस म्यूजियम को भी यही रेनोवेट कर रही हैं। सर इधर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको देखने में बड़ी दिलचस्पी होगी सर, वो मैं आपको दिखाती हूँ सर। ये रियल लाइफ आइटम्स हैं जो भक्कर के कैनिबल्स जो थे जो खाते थे, मुर्दे खाते थे जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो बिल्कुल असल में ये हैं। और सर इधर हम लोगों ने जावेद इकबाल की सारी चीज़ें रखनी हैं, ये जो नीचे आपको रस्सी नज़र आ रही है, ये संगल नज़र आ रहा है, ये सारा वो बच्चों को इस्तेमाल करता था पकड़ने के लिए और जकड़ने के लिए। सर ये जो आपको स्काफ नज़र आ रहा है सर, अगर पुरानी वीडियोज़ देखी जाएँ जिसके अंदर जो कोर्ट्स हैं उसको वर्डिक्ट देते हैं कि वो गिल्टी है, उसके अंदर उसने ये स्काफ पहना होता है। सर अगर हम लोग आगे जाएँ तो आपको वहाँ लियाकत अली खान साहब का वो कुर्ता भी मिलेगा जो उन्होंने पहना हुआ था जब उनकी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। सर दिस वाज मोहतरमा वाज वेयरिंग दीज शूज व्हेन द सुसाइड अटैक हैपेंड। सर ये वो आइटम्स हैं सर जो सुसाइड बॉम्बर ने पहने हुए थे जब उसने मोहतरमा पर अटैक किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अमर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एतराज़ उठाया है कि आपने शहरबानों को शायद कोई फेवर दी है या एक इनका तुक्का लग गया है और लोग जो थे उनका रोल था, इनका कोई रोल नहीं था। पहली बात तो जिसका जो रोल है उसको हमने अप्रिशिएट किया है। हमारे एसपी इर्तज़ा को हम पहले ही QPM के लिए एक और बहादुरी के मेडल के लिए रिकमेंड कर चुके हैं। बाकी IG's ब्रेवरी मेडल 4 लोगों को मिल रहा है कमेंडेशन सर्टिफिकेट के साथ, इधर ही हमने उनके लिए फंक्शन किया। अच्छा, लिहाजा अप्रिशिएट सारे हो गए। अब सवाल होता है कि तुक्का लग गया, तो आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। और इसके सिलसिले में मैं इसने इस क्लास को पढ़ाया हुआ है 48वें कॉमन को, पुलिस अकेडमी में एडिशनल IG था। और हमने सर्टिफिकेट जब यहाँ इकट्ठे कर रहे थे आपके प्रोग्राम के सिलसिले में तो पुराना एक सर्टिफिकेट निकले हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ये मैं चाहूँगा कि स्क्रीन के ऊपर देखें, ये हम इनाम देते हैं 100 रुपया वहाँ पर एक ऑफिसर को, और ये मेरे हाथ की लिखाई से लिखा हुआ है अक्टूबर 2022 में। मैंने ये अक्टूबर 2022 में कहा कि स्काई विल नॉट बी द लिमिट। फिर जब यहाँ पर हम आए तो हमने ये प्रोसेस किया कि लोगों को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देने शुरू किए और बहुत लोगों को दिए और वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न गए, तो ये भी हमने निकाले अपने रिकॉर्ड से। और ये लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है इनके जो हमने शुरू किए, जिसमें हमने इनको लिखा और इस तरह के कई लोगों को मिले होंगे, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जब बनता है तो वो इनके आइडिया पे बना जो एस एन यूनियस ने पहले शुरू किया वो। इसके अलावा इन्होंने जो दुखी इंसानियत के साथ साथ एक काम किया कि पार्कों की पाइपलाइंस में चोरों को रोकने के लिए जो नेशनल एसेट को चोरी करते थे और जो सारे काम फैसलाबाद में फील्ड में क्राइम फाइटिंग में किए जो कि शायद लोगों के अभी तक सामने आए ही नहीं है, उसके लिए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन ये मिले इनको। तो ये इनके तमाम इनिशिएटिव्स पे हमने जितने अफसरों के इनिशिएटिव थे एक दीवार बनाई है और उस पर इनके नाम करना कर दिए कि लोग बाद तक भी याद रखें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले भी तशरीफ लाएं तो वो दीवार पे हम आपको लेके चलते हैं। कि हमने यहाँ पे एक दीवार बनाई है, उस दीवार पे 2023 के जो कारनामे लिखे और ये पहले की बनी हुई है तो उसके अंदर इनिशिएटिव्स आए हर अफसर के, ज़ुल्फ़िकार हमीद है, बड़े बड़े नाम हैं, एहसन यूनस है, अमारा अतर हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इसको फोकस किया जाए कि इन तमाम बड़े अफसरों के साथ, किसी भी ASP और का नाम नहीं है, लेडी ऑफिसर्स बहुत सारी हैं हमारी, तो लेकिन शहरबानो नकवी ने जो काम वहाँ पे किए वो हमने यहाँ पे लिखवा रखे थे। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो यूथनेशिया रिटायर्ड डॉग्स का हम लोगों ने ख़त्म करवाया, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो है वो पूरे पंजाब के अंदर अपग्रेड करवाए और पहले सिर्फ पिंडी में था उसको रेप्लिकेट किया सारे डिस्ट्रिक्स के अंदर। सर लिबर्टी खिदमत मरकज़ से स्टार्ट हुआ सफ़र सर हमारा रेनोवेशन का, तो वो सबसे पहले रेनोवेट करवाया सर। तहफ़्फ़ुज़ मंजिल सर जिसके अंदर होल्डिंग सेंटर है ये बच्चों का, जब पुलिस को बच्चे मिलते थे तो उनके पास कोई रखने की जगह नहीं होती थी, रात के 1 बजे बच्चा मिल जाता है, 2 बजे मिल जाता है, तो हमने तहफ़्फ़ुज़ मंजिल लाहौर में कायम कर दी है। हम लोगों ने थैलेसीमिया सर ये वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह और आपके बीच में रहनी चाहिए। तो थैलेसीमिया के बच्चों पे सर हमने काम किया सर। डे केयर सेंटर हम अभी आपको जाके दिखाएंगे। फिर सर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स पूरे पंजाब के अंदर हमने यूनिफॉर्म दिया उन्हें, SOPs सारे करवाए, ट्रेनिंग करवाई। म्यूजियम सर आप पहले ही देख चुके हैं सर। IG ऑफिस से रवाना हुई। दोपहर का खाना खाने मकामी रेस्टोरेंट पहुंची। अपनी सहेलियों के हमराह खाना खाया।
मैडम के साथ काम करने का मतलब ये है कि 24 आवर्स हर ब्रेन इज़ वर्किंग, और उसमें यू हैव टू बी अवेलेबल एंड यू हैव टू कैच द आइडिया. जिस वक्त उनको आइडिया आ रहा है, चाहे वो आधी रात है या वो सुबह सुबह है, शी विल कॉल यू एंड शी विल से कि ये सोचा है मैंने, यू हैव टू डू इट, और हम फौरन लग जाएंगे एग्जीक्यूशन में. कौन कौन से आइडियाज़ थे इनके जिन पे किया आपने? जब हमने पुलिस म्यूजियम पे काम किया था इनके साथ, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने डिस्प्लेस किस तरह से करने हैं, तो वो उन आइडियाज़ के ऊपर इन्होंने बड़ी इनपुट दी थी. इलामा इकबाल की तरह ख्वाब देख लेती हैं, उसके बाद जो हम लोग हैं वो उसकी तबीर में लग जाते हैं कायदे आज़म की तरह. ख्वातीन ने तस्वीर बनवाई, किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन पहुंची, उनकी काविशों से पुलिस के लिए डे केयर सेंटर बनाया गया है. डे केयर सेंटर में दाखिल होने से पहले पांव पर बैग चढ़ाया, डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए प्ले एरिया और दीगर रूम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाए गए हैं. फायरिंग रेंज में आई, शूटिंग की और निशाना चेक किया. जे रोड पर नई तामीर शुदा आबशार पहुंचे, यहाँ ड्राइविंग सिखाने के लिए दुनिया की जदीद तरीन मशीनें भी लगाई गई हैं. इछरा वाकया में आपकी बहादुरी को तो हर कोई मानता है, लेकिन नकाद भी होते हैं. कुछ कहते हैं कि आपका किरदार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया. आप इन दोनों, जो बहादुरी और आपके किरदार को बढ़ाना, इसके इन दोनों के तासुरात के बारे में इस क्या सोचती हैं? इट्स अ फ्री कंट्री, हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं, ज़िंदगी और चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया होता है, तो उनकी क्रिटिसिज्म को तो रिफ्यूट नहीं किया जा सकता या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक देखी चीज़ें, हमने अपनी सोच के मुताबिक देख ली चीज़ें. रोल हर एक का इम्पॉर्टेंट था उस वाक्य में, इम्पॉर्टेंट है और रहेगा. सबसे खूबसूरत बात जो इस वाक्य की है, जो कि हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं और क्रिटिसिज्म के ऊपर अपना फोकस करना शुरू कर देते हैं, वो ये है कि एक जीत थी, ये एक जीत की कहानी है, ये पुलिस की जीत की कहानी है, ये ख्वातीन की जीत की कहानी है, ये आज़ादी की जीत की कहानी है, ये नफ़रत से लड़ने की कहानी है, ये उस रिलीजियस फनाटिसिज्म से बाहर आने की कहानी है. हमारे पास ऐसी कोई केस स्टडी रीसेंट हिस्ट्री में मौजूद नहीं थी. कुछ वाक़यात ऐसे हुए, जैसे ननकाना साहब है, सियालकोट का वाक़या है, तो इस तरह के वाक़यात में जब आप दाखिल होते हैं एज ए पुलिस मैन या लेडी पुलिस ऑफिसर, तो खौफ तो आता होगा कि कुछ भी हो सकता है. नहीं, ऐसी सिचुएशंस हमने बहुत दफ़ा देखी हैं. हमने पार्को पाइपलाइन के अंदर जब तेल चोरी रोकने की कोशिश की फैसलाबाद में, तो तब हमें बदमाशों का सामना करना पड़ा. वो इलाका भी बहुत बड़ा था, गनमैन भी मेरे पास एक ही होता था. इस तरह के वाकयात होते रहते हैं. जब आपने एक यूनिफॉर्म पहन लिया और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो वो है, वो एक हकीकत है. उसके साथ उसके अंदर आप घबरा के भी उस चीज़ में से निकल सकते हो बगैर बर्दाश्त. थोड़ा बहुत खौफ तो आया होगा. नहीं, खौफ जो है एक नेचुरल फिनोमिनन है. फेयर हर जगह होता है. फेयर को अपने पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होता है. उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि उन 5-10 मिनट में आप लॉजिकली सोच लें कि आपने क्या करना है और क्या नहीं. परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे. कई लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि खातून से माफ़ीनामा लिखवाई गई, माफ़ीनामा लिखवाया गया,
तो क्या वाकई वो माफ़ीनामा था या उसकी क्या ज़रूरत थी? खातून ने लिख के कुछ नहीं दिया। हमें खातून की लाइफ, सैंक्टिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम बस ये चाहते थे कि एक क्लैरिफिकेशन हो जो खातून ने अपनी कंसेंट से दी। जहाँ तक माफ़ी लिखने का ताल्लुक है, तो माफ़ीनामा तो लिखा दूसरों ने, माजरत दूसरों ने की और कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, नाउज़ बिल्ला कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई और हमसे गलती हुई है और मिसकम्युनिकेशन हुई है, और फिर बाद में FIR भी लॉन्च कर दी गई। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की गपशप भी चलती है, कहा जा रहा है कि आप मोहसिन नकवी के रिश्तेदार हैं और किसी हवाले से आप पाकिस्तान की एक सबसे ताकतवर शख्सियत की भी रिश्तेदार हैं, बल्कि शजरा बना दिया गया है। क्या हकीकत है, आपकी कोई रिश्तेदारी है? सर, इट वुड हैव बीन एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद देम एज अ फैमिली मेंबर, बट ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपकी दूर की रिश्तेदारी भी नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का मुआशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार है, जहाँ आपको बरादरियाँ बटी हुई हैं, फिरके बटे हुए हैं, पार्टी बाजी है, तो क्या आपको भी कभी फिरका वाराना धमकियाँ या किसी पार्टी की तरफ से धमकियाँ मिली हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह की किसी सिचुएशन का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे ये लगता है कि जब तक इंसान जो है बहुत प्रोफेशनली अपने करियर के साथ सिंसेयर हो के, अपनी नौकरी के साथ सिंसेयर हो के और फोकस रख के काम करता रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो या तो बहुत पीछे रह जाती हैं या फिर एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी शख्सियत में एक आर्टिस्ट की झलक नज़र आती है, क्या मौसीकी भी सुनती हैं? जी। और किसकी मौसीकी? मुझे नासिर काज़मी की गज़लें बहुत पसंद हैं। उसमें तो उदासी बड़ी है। उदासी नहीं है, मुझे वो मेरे CSS की इंटरव्यू की प्रेपरेशन का टाइम याद आ जाता है, जब मैंने मुझे आदत थी कि खिड़की के सामने मेरी स्टडी टेबल होती है, रात को पढ़ने का शौक है तो खिड़की खोल देनी, ठंडा मौसम था जब ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे हम, कोई साइकिल वाला जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है कि लगता था ठीक है दुनिया चल रही है, तो उसके अंदर पढ़ते हुए अगर गाने लगे होते थे, इस तरह की गज़लें लगी होती थी तो अच्छा लगता था।